एक छाती के नीचे पांच बंदे, मैं भी हूँ बल्कि छह बंदे यार। पिछले सेमेस्टर की प्रेजेंटेशन आज पिछले की नहीं है, मिनट से पहले की है, खुद को पता नहीं है तुझे तो। एक्सपायर दे रहा है, एक्सपायर प्रेजेंटेशन। ये तो फुल पिंडी सर, पिंडी की हवाएं। ये सिक्स रोड में एक महीना रहने के बाद दिल मेरा अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। सुबह के बज रहे हैं 6 और पीछे आप मेरा बेड इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए वो ख़राब है। सुबह का टाइम, उसको हम ठीक कर लेंगे। पिछला जो एक साल गुजरा था, पूरा साल ऑलमोस्ट उसका मेजोरिटी जो था टाइम, उसमें मैंने एक काम बहुत अच्छा किया था, कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ वो ये था कि मैं जिम रेगुलरली जा रहा था और मेरे मसल की ग्रोथ भी अच्छी हुई थी ज़ाहिर है फिर। लेकिन पिछले को 3 महीने हो गए मैंने जिम को बाय बाय किया हुआ है। एक दफ़ा फीस जमा करवा के 3-4 दिन गया, उसके बाद नहीं गया। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, बंदा सुस्त फील करता है। लेकिन आज से मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, आज के काम कल पे नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि मैं हर रोज सोचता था कि कल से जिम जाऊंगा। तो आज सोच रहा हूँ कि अभी से जिम जाएंगे। जब आप अभी कहते हो तो फिर आप चीज़ कर लेते हो, जब आप कल पे जाते हो तो आप नहीं कर पाते। तो इसलिए आज हम सुबह सवेरे जिम जाएंगे इंशाल्लाह। और आहिस्ता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार कुछ सारे लोग सोए होते हैं तो वहाँ तक आवाज़ जाएगी, तो अच्छी बात नहीं है कि सुबह सुबह किसी को मेरा मंजन गानों में जाए, इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ मैं। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाने से पहले आप ब्लैक कॉफ़ी पिया करें, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं, खास करके सुबह के टाइम। मच लेटर। सुबह सुबह के टाइम हमारा बॉडी बिल्डर, क्या बात है जी, क्या बात है। ये होती है कंसिस्टेंसी। पिछले 2 साल से इन्होंने जिम नहीं मिस किया, मूसा चीते ने। नहीं यार, साल क्या साल, साल से ओए फीचर हो रहा है तू वासिफ के चैनल पे। वासिफ ट्रेनर, हालांकि ट्रेनर मूसा है जिम का, लेकिन आज मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ। जितना जंक फूड और जितनी गन मैंने खाई है, शुक्र है यार मेरी बॉडी कॉम्पिटिटिव है कि मेरा वेट ज़्यादा नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा था मैं 75 से ऊपर गया हूँगा, लेकिन बचत होगी गुड। लेकिन एक बात हुई है कि मेरे मसल जो बने हुए थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा बनेंगे। मच लेटर। जब आप इतने अरसे के बाद जिम जाते हो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यार इतने अरसे के बाद मैंने एक अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल अभी हमने जाना यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे सेमेस्टर का आज आखिरी दिन है और कुछ एक प्रेजेंटेशन थी जो हमने देनी थी सर को, वो प्रेजेंटेशन देंगे और फिर वहाँ पे आपसे मिलते हैं। यूनि हम लोग आ गए, एक प्रेजेंटेशन थी उसके लिए आए। और रव क्या बोलेगा, क्या किया आज हमने, अजीम कारनामा क्या किया बता सर। अजीम कारनामा ये किया कि हमारे 2 सेक्शंस में टोटल 4 बंदे आए हैं और कोई भी नहीं आया। तो हमारे ग्रुप वाले लड़के मैसेज कर रहे थे, वो कोई आया है सर आए हैं, तो हमने उनको कहा हाँ हमारी एक प्रेजेंटेशन हो गई है। हुआ कुछ भी नहीं था, हीटर के आगे कुछ भी नहीं था। और अभी एक रहती है तो सारे जल्दी पहुँचो। तो हसन, सईद और वकास, शबीर, उस्मान, वसीम, सारे भाई हमारे कह रहे हैं कि ओके ठीक है हम आ रहे हैं। बस हसन कह रहा है मैं शॉवर लेके आ रहा हूँ। तो हम अकेले ख्वार हो रहे हैं, बारिश का मौसम है, अच्छा है, घर बैठ के वो लोग क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, सब हमारे भाई हैं वो, तो ख्वार करेंगे उनको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है बल्कि जो हमने सबमिट करवानी है, क्योंकि सर ने कहा था कि आपने ये प्रेजेंटेशन देनी भी और असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है। और राहु बेचारे ने पहली बार जाके असाइनमेंट बनाई और जिस टॉपिक पे बनाई वो मिड से पहले का टॉपिक था, मिड से पहले का टॉपिक था। और ऊपर से बात ये है कि क्लास वाले कह रहे हैं कि सर प्रेजेंटेशन ही नहीं ले रहे। नहीं नहीं लेंगे, मुझे तो लगता है लेंगे भाई, सर ना भी ना ज़बरदस्ती जाके देंगे। लेकिन मेरे साथ सोने पर सुहागा ये हुआ कि मैं आया, मैंने असाइनमेंट नहीं बनाई थी, हमारी क्लासमेट बना रही थी, अपनी पूरी बना चुकी, कहती है यार ये अच्छी नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आ रही, तो मैं दोबारा बनाऊंगी। मैं कहा चल तू ये मुझे दे, तो जो तुझे पसंद नहीं आ रही वो मैं जमा करा दूंगा, तू अपनी नई बना ले। तो मेरी असाइनमेंट का जुगाड़ इस तरह हो गया। कितनी खुशकिस्मती वाली बात है, हमारी क्लास शर्म की भी बात है, खुशकिस्मती वाली भी बात है। डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा गेम इसी की है। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे अलावा तो कोई नहीं आया, 3-4 बंदे हमारी क्लास के आए, तो बाकी ये है कि पूरा खाली है, पूरा खाली है। सिर्फ सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जो स्टैट के सताए हुए हैं, आगे पूरी क्लास स्टैट पढ़ रही है। हम वेट कर रहे हैं असल लोगों का, तो चलो मिलके अखबार होते हैं। आइए, ये हमारी क्लास का ये बंदा आया है, क्लास को अजीम सपूत। सर आप क्या कह रहे हैं, हम हसन लोगों को ख्वार करने के लिए बुला रहे हैं। तुमने मुझे ख्वार किया जो वो, अच्छा कॉल करनी है मैंने किसको, बिल्लू को, शाहजेब भाई को। तो किससे, बैलेंस ही नहीं रहा, बैलेंस ये ब्लॉगर देगा ना। ओ पहले बताओ चैनल को सब्सक्राइब किया है जी सर, बेल आइकन दबाया, दिखाओ खोल के दिखाओ, अगर सब्सक्राइब और बेल आइकन किया हुआ है तो नीचे कमेंट भी आता है। कासिम
फोन ही तेरा है मेरी जान, मिलो आगे सही घर को। आज आखिरी दिन है विकास, पिंडी से बुलाया प्रेजेंटेशन के लिए, स्पेशली पिंडी से आया प्रेजेंटेशन देने के लिए। आप आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना, हमें थैंक यू बोलेंगे ना कि हमने आपको बुलाया आखिरी टाइम पे। में वो देखो बच्चे जो आजकल, ओह बीएस मैथकॉम का सबसे प्यारा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा बीएस मैथकॉम का सबसे प्यारा लड़का। अस्सलाम वालेकुम नौफल, ये बात है ये बंदरा रश हमारे बैच में जिसने 4 जीपीए लिया था ये अभी तक चलता है। पहले सेमेस्टर में 4 जीपीए, अभी कितना चल रहा है? अभी 3.5 है ना? नहीं इतना ही है तकरीबन, हो रही है मिला जुला के बन जाता है। क्या बात है, 3.5 वैसे। और इस खूबसूरती का राज ये है बस वो वाला नहीं जो ये बताया। वकास भाई हमारे कहने पे पहुंच चुके हैं, जिसको हमने सुबह कॉल की और वो वकास गुस्से में हमारे कहने पे नहाया, ठंडे पानी से कोट्स ओवर कोट्स है सारा कुछ पहन लिया, आज बुझा सिगरेट जेब में ही होगा इसके। तो अब ये सिस्टम है कि ये तो आ गया, इसने केला खाया हुआ डाके वाला, अब जो बारी है, अब उस्मान की बारी है जो कि पहुँचने वाला है। उसका सीन ये है कि जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, वो मिड से पहले का था, ठीक है? तो मैंने खुद किया है, तो फिर मैंने उस्मान को भी रात को कॉल करके मैंने कहा ये वाला टॉपिक है, उसने भी वही किया। अब जब वो आएगा और वो देखेगा कि ये टॉपिक तो मिड से पहले का है, तो वो इंडिया वाला केला खाएगा। हमारे साथ हमारी क्लास की बिस्मा, बिस्मा ये तुम्हारी आंखें ऐसी वेरी नेचुरल यू नो, गिरगिट की तरह रंग बदलती है इसकी आंखें। अभी थोड़ी देर में ब्राउन हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी, फिर ब्लू हो जाएंगी। कितने लेंस लेके रखे तूने? कितने लेंस लेके रखे? बहुत कितने? बहुत नहीं है, बड़ी बहन के इसीलिए बड़े लग रहे हैं। ये हमारा इस समस्या का प्रोजेक्ट था, हम सब ने अपने बैनर्स बनाए थे, लेकिन दुख वाली बात यह कि यहाँ से मेरा बैनर गायब हो गया। यहाँ पे था या यहाँ पे था, मेरा बैनर था लेकिन किसी ने उतार दिया, पोस्टर कहते हैं सॉरी इसको, बड़ा दुख हो रहा है। एक महीना रहने के बाद आखिरकार सर आ गए, प्रेजेंटेशन हो रही है, विकास प्रेजेंटेशन दे रहा है, आप चेक करें। सेमेस्टर की प्रेजेंटेशन आज पिछले की नहीं है, बिल्लू मिनट से पहले की है, खुद को पता नहीं है तुझे तो एक्सपायर दे रहा है, एक्सपायर प्रेजेंटेशन। एक छाते के नीचे 5 बंदे, मैं भी हूँ बल्कि 6 बंदे यार। रऊफ सबका बेस्ट फ्रेंड आज के इसके पास छाता है। जी है रऊफ, रऊफ बहुत अच्छा इंसान है। रऊफ की जय हो। रऊफ रऊफ तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू छाता रोज ला, बारिश वाले दिन तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? माई बेस्ट फ्रेंड आई लव यू, माई बेस्ट फ्रेंड आई लव यू। ओके बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड आई लव यू। 3, 2, 1 गो। मांगे फकीर दुआए ना, यार दी सूरत माशाल्लाह, रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं ते तहरा सादा बंदा बेचारा, दिल मेरा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है, आवारा आवारा आवारा, दिल मेरा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। जिसकी छतरी है वो भीग रहा है और हम लोग मजे में छतरी के नीचे। यार हम लोग अभी वापस घर जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन आज बहुत अच्छी हुई, हसन की भी अच्छी हुई है, बहुत अच्छी, सिर्फ वकास की पूरी क्लास में अच्छी नहीं हुई। डाडो मजो आए हो शाम, बता बता बताई। अच्छा हमारा दोस्त वकास आप जानते होंगे उसको, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, अभी सर के साथ छतरी के नीचे घुस के जा रहे हैं। सर की छतरी पकड़ के, सर का बैग हाथ में रख के, सर को बस तक छोड़ के आएगा अल्लाह हाफिज करके, ताकि उसकी असाइनमेंट में नंबर दे, मैसेज कर दें। क्या क्या तो बोलेगा कि घर पहुंच के फिर मुझे मैसेज कर देना। ये विकास का स्टाइल है। अब आप समझ गए कि विकास किस लिए सारा कुछ कर रहा है। विकास हमारा आज के बाद लिफ्टर है, लिफ्टर बॉडी बिल्डर। हम अपनी जगह पे आ गए, व्लॉग को एंड करने वाली जगह पे। हाँ हाँ, एक छाती के साथ 4 बंदे आए, 2 और आ रहे हैं।
क्या बोलोगे आज हसन आप? यार कुछ भी नहीं, ख्वारी हुई है, एक प्रेजेंटेशन के लिए आना पड़ा। नंबर तो मिलेंगे ना, वो काशी जैसी ख्वारी तो नहीं हुई ना, खुश तो है ना। मिलेंगे हम आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक करें आप चैनल को सब्सक्राइब, दबाएं बेल आइकन को, और क्या होता है, और जो भी कुछ होता है शेयर होता है वो भी कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। मिलेंगे हम आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।